बिग बॉस एक कंट्रोवर्शियल शो है तो कंट्रोवर्सी होना लाजिमी है। इस सीजन में लोगों का सबसे ज्यादा प्यार तंजानियाई सिंगर अब्दू रोजिक के लिए है और सबसे ज्यादा नफरत लोग साजिद खान को कर रहे हैं। मीटू के आरोपी साजिद खान के घर में आने से ही लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। साजिद खान पर एक दो नहीं बल्कि 10-12 अभिनेत्रियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकी है जिसके कारण उनका बॉलीवुड करियर खत्म हो गया था। अब 16 सालों के बाद साजिद खान बिग बॉस 16 से अपने करियर की फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। साजिद खान पर लोग पहले से तो नाराज थे ही और अब फिर से उन्होंने बिग बॉस के घर में रहते हुए टीवी सितारों को लेकर एक विवाद खड़ा कर दिया है जिसके कारण काम्या पंजाबी, देवोलीना भट्टाचार्य जैसे टीवी अभिनेत्रियां उन पर जमकर अपना भड़ास निकाल रही हैं। दरअसल बिग बॉस 16 से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साजिद को शो में अपने को कंटेस्टेंट के बारे में बोलते हुए देखा गया है जो ज्यादातर टेलीविजन सितारे हैं। साजिद खान एमसी स्टेन से यह कहते हैं कि ये सब टीवी सीरियल के कलाकार हैं, ये लोग मूल रूप से एक है, इनको लगता है ये हमारी दुनिया है लेकिन मैं बाप हूँ ये सब चीज का। इसी पर एमसी स्टैन कहते हैं हक से है आप। फिर साजिद कहते हैं हक से नहीं दिमाग से। साजिद खान के इन बातों पर बवाल होना तो लाजमी है। काम्या पंजाबी एक टेलीविजन स्टार होने के नाते साजिद खान के इन बातों से दुखी हो गई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा हमको लगता नहीं है, हमको पता है ये हमारी दुनिया है टीवी के नहीं, तुम यहाँ हर किसी की तरह सिर्फ एक प्रतियोगी हो। वहीं दूसरी तरफ टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य ने लिखा हे भगवान वैसे भी आप बाप होंगे अपनी दुनिया में, हाँ ये दुनिया हमारी है 1000 गुना बेहतर है, इतनी परेशानी है टीवी एक्टर से तो तुम टीवी पर क्यों, बेहोशी में हो क्या, एक बार झूठा हमेशा झूठा ही रहता है, कभी नहीं सुधरने वालों में से है ये जनाब। आपको बता दे कि कई लोगों ने साजिद खान के खिलाफ बोलने के लिए देवोलीना भट्टाचार्य काम्या पंजाबी की सराहना की है। मीटू के आरोपों की वजह से साजिद खान को साल 2018 में इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने 1 साल के लिए निलंबित कर दिया था जिसके बाद से ही साजिद खान बॉलीवुड से गायब हो गए थे। भले ही साजिद खान बॉलीवुड से गायब हो गए थे लेकिन उनका एटीट्यूड और ईगो शायद अभी तक गायब नहीं हुआ है। साजिद खान को शायद थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है कि वो बॉलीवुड डायरेक्टर होकर भी बिग बॉस जैसे शो में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किए हुए हैं, उन्हीं टीवी स्टार्स के साथ जिनका वो मजाक उड़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए साजिद खान आपको, आप एक ऐसे शो में ऐसी वाहियात कमेंट कर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया देख रही है। कुछ फैंस तो यहाँ तक कमेंट कर रहे हैं कि साजिद खान यहाँ अपनी गंदगी साफ करने आए थे लेकिन यहाँ गंदगी साफ तो क्या वो और भी गंदा कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये सब टीवी सीरियल के एक्टर्स हैं, तू समझ, और टीवी सीरियल के एक्टर्स हाँ, ये लोग बेसिकली एक इनको लगता है ये हमारी दुनिया है। हाँ मैं बाप हूँ ये सब, वो तो है हक से, हक से नहीं दिमाग से। मैं गेम खेलता नहीं हूँ क्योंकि मुझे मालूम है गेम खेलने का कुछ फायदा नहीं है, मेरे को खाली एक ही बात का डर लगता है और कुछ नहीं, अपने आप से।